सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का बटन दबाकर ताजा खबरों का मजा लें। बरगाड़ न्यूज़ एक्सप्रेस, खबर की तह तक जाने की जीत। हिंदुस्तान के जितने चोर लुटेरे हैं वो अपने पैसे विदेशी बैंकों में जमा करवाते हैं, काला धन विदेशी बैंकों में जमा होता है। मेरे कांकेर के भाइयों बहनों, मुझे बताइए कि हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए? इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए? अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। सुन लिया, ये भाषण 2014 से पहले एक प्रधानमंत्री ने चुनाव प्रचार के समय दिया था। आज 2018 है और विदेशों से आने वाले काले धन का क्या हुआ, किसी को इसकी भनक तक नहीं है। चलिए काला धन के मुद्दे पर कोहराम मचाने वाले एक और किरदार से आपको मिलवा दें। ये हैं बाबा रामदेव, जिन्होंने काले धन के मुद्दे को आंदोलन में बदल दिया था। काले धन के खिलाफ बाबा ने क्या क्या नहीं कहा, अगर आप भूल गए हैं तो लगे हाथ ये भी सुन लीजिए। गवर्नमेंट ने खुद स्वीकार किया है कि उसके पास 36,000 सूचनाएं हैं काले धन के बारे में, 9,900 विदेशी ट्रांजैक्शंस की सूचना है उसके पास में, और कभी 750 नामों की बात की जाती है तो कभी 3,000 नामों की बात की जाती है कि सरकार के पास नाम भी और उनके अकाउंट में कितना कितना पैसा है वो भी सरकार को पता है। पूरे हिंदुस्तान की जनता ये पूछना चाहती है इन ट्रांजैक्शंस में कौन लोग इन्वॉल्व हैं और किस किसने कितना काला धन जमा किया है, यदि नाम बता सको तो देश के लोग उसको पूछना चाहते हैं, यदि नाम नहीं बताते हो तो कम से कम ये कितना धन है और इसमें से कितना अब तक दिलाया है और बाकी कब तक दिला दोगे, इसको बताने में आपत्ति क्या है? काले धन पर बयानों का चित्रहार अगर आपने देख लिया हो तो चलिए कलेजे पर पत्थर रखकर ये भी सुन लीजिए कि पिछले 4 सालों में काले धन के मुद्दे पर क्या क्या हुआ। थोड़ा कलेजा मजबूत कर लीजिए क्योंकि विदेशों में जमा काले धन पर जो खबर आई है वो आप पर बिजली बनकर गिर सकती है। जी हाँ, स्विस नेशनल बैंक की एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जो काले धन पर वोट डालने वाली जनता के लिए किसी झटके से कम नहीं है। तो साहिबान कदरदान, दिल थाम लीजिए और गौर से सुनिए। स्विस नेशनल बैंक, इस नाम से आप बखूबी वाकिफ होंगे। ये वही बैंक है जिसका नाम काले धन के सवाल पर खूब उछला और बार बार उछला, लेकिन अब उसी बैंक की रिपोर्ट ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीयों की स्विस बैंक में जमा रकम 50% बढ़कर 99.9 फ्रैंक यानी करीब 6,900 करोड़ के पार जा चुका है। आंकड़ों के मुताबिक स्विट्जरलैंड के बैंक खातों में विदेशियों का कुल 1,460 अरब स्विस फ्रैंक यानी करीब 100 लाख करोड़ रुपए जमा है, जिसमें भारतीयों का ठीक ठाक हिस्सा शामिल है। काले धन का सवाल हिंदुस्तान में बड़ा मुद्दा, लेकिन हाल ही स्विस बैंक की ताजा रिपोर्ट हैरान करने वाली है, क्योंकि सत्ता में वो सरकार है जिसने चुनाव में काले धन को बड़ा मुद्दा बनाया। वो पीएम बनने से पहले नरेंद्र मोदी ने विदेशों से काला धन वापस लाने का वादा किया, लेकिन स्विस बैंक की ताजा रिपोर्ट कुछ और ही बयान करती है। और स्विट्जरलैंड के बैंकों में भी भारतीयों की ब्लैक मनी जमा है, ये बात काफी पुरानी है। इतना नहीं, बैंक अपने खाता धारकों की सूचनाएं गोपनीय रखता है, लेकिन चौंकने वाला तथ्य ये है कि 2016 में जिस स्विस बैंकों में भारतीयों के धन में 45% की कमी आई थी, उसी बैंक में भारतीयों का काला धन 50% बढ़ चुका है।
अच्छा, स्विस बैंक के आंकड़े बताते हैं कि ब्लैक मनी की विदेशों में जमकर बल्ले बल्ले चल रही है। आज का सच ये है कि स्विस बैंकों में आज की तारीख में भारतीयों के धन पे 3,200 करोड़ रुपए का कस्टमर डिपॉजिट है, जबकि 1,050 करोड़ रुपए दूसरे बैंकों के जरिए भारतीयों ने स्विस बैंक में जमा कराए हैं। काले धन पर शर्मिंदा करने वाला लेटेस्ट स्टेटस ये भी है कि भारतीयों के स्विस बैंक में 2,640 करोड़ रुपए दूसरी लायबिलिटीज के रूप में जमा बोलते हैं 50 रुपया। काले धन पर फिलहाल तो ताजा खबर ये है कि विदेशों में ब्लैक मनी के कारोबारियों के अच्छे दिन चल रहे हैं। काला धन अब चुनावी मुद्दा नहीं है, बस एक ख्याली पुलाव है।